दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते कई खिलाड़ियों व भारतीय कई परिवारों ने अपनों को खोया है। इस वायरस से भारतीय क्रिकेट की दुनिया भी अछूती नहीं रही। कई क्रिकेटरों ने तो अपनी फैमिली को भी खो दिया है, जैसे चेतन साकरिया व पीयूष चावला अपने पिता को कोविड-19 के कारण। और इतना ही नहीं, कई युवा खिलाड़ी जैसे राजस्थान के विवेक यादव, जो कि जयपुर के अहम खिलाड़ी माने जाते थे, वो भी कोरोना के शिकार हो गए हैं। इसी के चलते एक और बुरी खबर आ रही है जिससे क्रिकेट की दुनिया शॉक में है। जो भारत के सौराष्ट्र के पूर्व दाएं तेज गेंदबाज होने के साथ साथ शानदार ऑलराउंडर भी थे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस खिलाड़ी ने 50 प्रथम श्रेणी के मैचेज वे कुल 134 विकेट अपने नाम किए और लिस्ट ए के मैच में 14 विकेट इनके नाम थे। इतना ही नहीं, विकेट के साथ साथ 1536 रन भी इनके नाम थे। दोस्तों, क्रिकेटर के साथ साथ बीसीसीआई के कोच रेफरी भी रह चुके हैं और सौराष्ट्र के टीम चयन समिति के मेंबर भी रह चुके हैं। दोस्तों, इनकी मृत्यु पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने ट्वीट कर सांत्वना व्यक्त की है। दोस्तों, वाकई ये खबर क्रिकेट जगत के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है।